हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्टैट प्रो मिनी प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि AKTU के जो स्कीम है उसमें फाइनल ईयर के लिए मिनी प्रोजेक्ट आया हुआ है जो कंपलसरी है। उसमें से एक मिनी प्रोजेक्ट है आपका G+5 बिल्डिंग एनालाइज और डिजाइन करना स्टैट प्रो पे। तो इस वीडियो में हम स्टैट प्रो से G+5 बिल्डिंग को कैसे एनालाइज और डिजाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, प्लस उसके बाद हम रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, जो हमें सबमिट करनी होती है उसमें डाटा में कैसे कॉपी पेस्ट करना है अपनी स्टेट फाइल से, वो हम करेंगे। तो आप इस ट्यूटोरियल की हेल्प से, केवल एक ट्यूटोरियल है, इसकी हेल्प से आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। और आप जब इस प्रोजेक्ट को करेंगे इस वीडियो को देख के, तो आपको प्लान अपना दूसरा डिसाइड करना है, इसी प्लान को मत दे देना। और आपको इस प्लान की, इस स्टेट की फाइल और आपको रिपोर्ट सारा डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें एक प्लान डिसाइड करना है, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, ये रहा एक रफली प्लान है। आप इससे बड़ा प्लान ले सकते हैं, 5 स्टोरी के लिए ये मेरे लिए काफी है, तो थोड़ा वीडियो भी छोटी बनेगी, इसलिए मैंने एक छोटा प्लान लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैं स्टैट प्रो को ऑन करता हूं। आप अपनी रिपोर्ट को थोड़ा और मोटा करना चाहते हैं तो आप इसकी जो ड्रॉइंग है, जो मैंने रफली ड्रॉइंग बनाई है, इसको आप ऑटोकैड में बनाकर भी उसको लगा सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। तो न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस मिनी प्रोजेक्ट यूनिट मीटर किलो न्यूटन नेक्स्ट एड बीम नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, इसको हम ग्रिड से बना सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, थोड़ी वीडियो स्लो होगी ये, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप और बिगिनर के लिए काम कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम ग्रिड को देखें, ये ग्रिड की एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर है और जेड डायरेक्शन में है 11 मीटर। और स्पेसिंग जो है, डिफॉल्ट स्पेसिंग जो ग्रिड की होती है 1 मीटर होती है, पर हम उसको चेंज कर देंगे 0.5 मीटर। तो हमें कितने स्पेस चाहिए होंगे, 10 मीटर करने के लिए। तो मैं स्टैट प्रो में गया और यहाँ ग्रिड को मैंने एडिट किया। तो ग्रिड को हम जेड वाई में कर लेते हैं, एक्स जेड में, बिकॉज हम जो प्लान बनाएंगे वो एक्स जेड में बनता है। तो ग्रिड हमारी एक्स जेड में हो गई। यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो 0.5 और यहाँ पे जो स्टेप्स हैं 20, सेम एज नीचे 0.5 और यहाँ पर आपका 22। ये ओके कर दिया। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे यहाँ से बनाने के लिए। अब देखिए, हम इस प्लान के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहले 0 से 5 मीटर एक बीम है, फिर 5 के बाद फिर 10 पर एक बीम है, और उसके बाद नीचे 4 मीटर, उसके बाद देन 5 मीटर और ये क्लोज कर देंगे। अब यहां पर अगर हमें कर्सर को ले जाना है कहीं पर, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहां पे क्लिक किया और यहां और यहां। अब दोबारा ले आना है तो कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर लें यहां से, ये यह आपका हट जाएगा। उसके बाद यहां पर क्लिक करना है, फिर हमारे 8 मीटर 5 मीटर, फिर यहां पे ये और यहां से यहां पे, फिर नीचे 3 मीटर 3 मीटर थी। तो देखिए, अगर मैं ग्रिड को हटाऊं तो आप देख सकते हैं प्लान हमारा बन चुका है। दोबारा ग्रिड को हटाने के लिए जो बीच में आपका पोर्शन दिया हुआ है, हमें इसे बनाना है, ये पोर्शन 3x2 मीटर का। तो हमें क्या करना है, ये 1.5 का है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ले आते हैं और यहाँ पे 3 बॉक्स, यानी कि 3 बॉक्स का मतलब है 1.5 मीटर। यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पर, फिर नीचे और फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये हमारा शाफ्ट बन चुका है। अब जो बीच में बीम है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से अब ग्रिड को अगर हम हटाते हैं तो हमारा प्लान देखिए इसके अकॉर्डिंग बन चुका है। ठीक है, इसको बनाने के बाद हमें इसे आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, और क्योंकि G+5 बिल्डिंग है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट रिपीट टूल में जाएंगे, Y, और 6 फ्लोर है हमारे और ईच फ्लोर 3 मीटर हाइट का है, और लिंक पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और नीचे के इस बीम को डिलीट कर देंगे। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीम नहीं है, इसीलिए यहाँ हो भी सकते हैं प्लिंथ लेवल पर। यह हमारा बन चुका है फ्रेम बिल्डिंग का। अब नेक्स्ट स्टेप है सपोर्ट लगाना, तो हम सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और जब भी आप सपोर्ट लगाओ, सबसे पहले ऐड करो एक सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट हमने यहाँ से ऐड कर लिया है। उसके बाद सपोर्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फ्रंट व्यू पे जाना है यहाँ से, उसके बाद ड्रैग करके देखिए, आपका जो कर्सर है वो माउस कर्सर नहीं है, वो अभी जॉइंट कर्सर है, और जब हम फ्रंट व्यू से ड्रैग करेंगे इसको तो सारे जॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं आइसोमेट्रिक में, देखिए
अब ये असाइन कर देंगे तो ये जो हमारी सपोर्ट यहाँ पे है, ये सारे जॉइंट जो सिलेक्ट हैं उनके ऊपर लग जाएगी। ये लग गई सपोर्ट्स। ठीक है, अब सपोर्ट लग चुकी है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हमने डाटा एज्यूम किया है उसमें लिखा हुआ है कि जो 5 मीटर वाले बीम है, 5 मीटर से छोटे बीम है, उनका 300x400 साइज होगा। अगर बीम का 300x400 साइज दिया है तो 400 डेप्थ होगी, ठीक है। और जो 5 मीटर से ऊपर है वो 350x500, और जो कॉलम का साइज भी दिया हुआ है C1 C2 का। तो हम क्या करेंगे, पहले इन चारों प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं, बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 300x400 डिफाइन रेक्टेंगल, 400 ये होगा और ये होगा 300, एड। उसके बाद है प्रॉपर्टी 350x500, यानी कि ये होगा 0.5, ये होगा 0.35, ऐड कर लिया। उसके बाद है 400x400 और 500x500। ऐड कर लिया, चारों प्रॉपर्टी हम ऐड कर चुके हैं। अब इन चारों प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद हमें अप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो उन बीम को देनी है जो बीम 5 मीटर से छोटे हैं। चेक कर लेते हैं, सेव। तो टॉप व्यू पे जाएंगे और हमें जैसे कि पता है, या अगर आपको नहीं पता तो यहां पर जाकर आप डायमेंशंस को शो कर सकते हैं डिस्प्ले। ये हो गया, तो 5 मीटर का ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है और ये बीम है। तो इनको छोड़कर सारे बीम 5 मीटर से लेस हैं। ये डायमेंशन हटा देते हैं, वैसे याद रहेगा मेरे को। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देनी है, ये जो है आपका 400x300, ये किसको देनी है, जो 5 मीटर से लेस है, लेस देन 5 मीटर। तो पहले उनको सिलेक्ट करेंगे, तो याद ध्यान रखिए पहले इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल बटन को प्रेस कर रखना है और जो भी 5 मीटर से छोटे बीम है उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से। इसमें एक चीज की सावधानी और रखनी है आपको, कि आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना है वरना कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको बीम के बीच में कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। अब अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू में देखूं तो देख सकते हैं आप सारे 5 मीटर से छोटे बीम सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं असाइन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी इन बीम को चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने असाइन पर क्लिक किया और यस प्रॉपर्टी जा चुकी है। आप रेंडर व्यू जो है ये पिरामिड टाइप का, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको 5 मीटर से छोटे बीम को प्रॉपर्टी मिल चुकी है। नेक्स्ट है 500x350। टॉप व्यू पे जाते हैं। इसके लिए ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमें देनी है जो 5 मीटर से बड़े हैं, ठीक है। तो 5 मीटर से बड़े वाले बीम हम सिलेक्ट कर लेंगे, या 5 मीटर के बराबर हैं, बस यही बीम है, ठीक है। अब इनको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, फिर रेंडर व्यू में देखेंगे। अच्छा, कभी कभी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रेंडर व्यू में देखते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, या फिर एक बीम दिखाई देता है। वो इसलिए होता है कि जो चीज यहाँ पे सिलेक्ट रह जाती है वही उसमें दिखाई देती है। कभी कभी एक जॉइंट सिलेक्ट है और हम रेंडर व्यू में देखते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक जॉइंट सिलेक्ट है। तो रेंडर व्यू में हम देखें, ये आ चुकी है प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 400x400, ये किस चीज को दिया, जरा देखें। C1 कॉलम, C1 कॉलम है इसके चारों ओर, चार कॉलम C1 कॉलम, इनको हमें प्रॉपर्टी देनी है। और यहाँ पे हमसे एक गलती और हुई है कि यहाँ पर हमारे कोई भी सपोर्ट और कॉलम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में जाके, टॉप व्यू ये होता है, इसमें जाके हम हल्का सा ड्रैग करेंगे इस पे और कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। देखिए सपोर्ट भी गए और वहां पे कॉलम भी गया, इस तरह से चार, तरह से चार कॉलम है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के हल्का सा ड्रैग करेंगे। देखिए जो मेरा माउस है वो बीम माउस है, और मैंने जब इन चारों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया ऐसे ड्रैग करके, तो जॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। ये जॉइंट नहीं हुए हैं, आप आइसोमेट्रिक में देखोगे तो एक कॉलम सिलेक्ट है। तो टॉप व्यू में जाना है, प्रॉपर्टी असाइन कर देनी है, फिर रेंडर व्यू में देखना है।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैट प्रो बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, चार कॉलम को प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अब 505 जो बचे कॉलम, उन सब के लिए तो मैंने जल्दी से कंट्रोल दबा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जॉइंट कर्सर नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, असाइंड। यस, अब सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के बाद इन्होंने दिया हुआ है लोड, ठीक है। अब हम लोड को डिफाइन करेंगे। जो लोड है, सबसे पहले डेड लोड बनाएंगे, तो हम जाएंगे जनरल, लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे, और यहाँ पे टाइप होगा डेड और टाइटल भी डेड लोड। ये ठीक से लिखना है, कुछ लोग जल्दीबाजी में टाइटल नहीं डालते हैं, तो जो रिपोर्ट बनेगी उसमें भी वो ठीक से नहीं आएगा, तो उसको डेड लोड ही लिखना है। यहाँ पे जो टाइप है वही टाइटल। एड, क्लोज। अब डेड लोड पे क्लिक करना है और ऐड करना है, तो सबसे पहला डेड लोड के अंदर जो लोड गिवन है प्रॉब्लम में, वो है सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट यहाँ पर -1 ही रहेगा, y ही रहेगा, और इसको सेम ऐसे ही रहते हुए डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर देंगे और हम इसे क्लोज कर देंगे। अब इसको हम असाइन करेंगे पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि सेल्फ वेट हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रेड कलर का, इसका मतलब ये लोड अप्लाई नहीं हुआ है। इसको अप्लाई करना है फुल स्ट्रक्चर पर, फुल स्ट्रक्चर पर कोई चीज अप्लाई करनी है तो उसके लिए ऑप्शन लेते हैं असाइन टू व्यू, और अब हम इसको असाइन करेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर पे हमारा सेल्फ वेट चला जाएगा। सेव के लिए बार बार पूछेगा, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड लोड हम देखते हैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, स्लैब का लोड, क्योंकि हम स्लैब डिजाइन नहीं कर रहे हैं, केवल हम स्लैब का लोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्लैब हम बाद में डिजाइन करेंगे। तो जो इस प्रॉब्लम में स्लैब की जो थिकनेस दी हुई है, वो दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं 150 mm, ठीक है, स्लैब की थिकनेस। और RCC की स्लैब है तो डेंसिटी होगी 25। तो स्लैब का जो लोड होता है वो होता है थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं, तो थिकनेस जो है हमारी वो है 0.150, 150 mm मल्टीप्लाई बाय RCC की डेंसिटी 25। तो ये हो गया सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब 3.75 kN पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे, और स्लैब लोड को स्टैट प्रो में बोलते हैं फ्लोर लोड, इंटेंसिटी -3.75 जो हमने अभी कैलकुलेट करी कैलकुलेटर में। और इन चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है आपका। देखिए, अगर इसका हम देखें डायग्राम, तो स्लैब कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, बट स्लैब यहाँ पर नहीं बनेगी। तो अब हम इसको लोड को कैसे लगाएं, ठीक है। इस लोड को लगाने के लिए देखो हमें रेंज देनी होगी। अगर एक्स में देखें तो ये रेंज है, एक्स में वैल्यू 0 से 5 मीटर, और जेड में देखें तो 0 से 4 मीटर इस स्लैब के लिए। और हाइट तो 0 से 18 होगी, हमारे 8 बिल्डिंग की जो हाइट है वो 18 है, तो 0 से 18, तो यानी कि ऊपर से नीचे तक सब स्लैब पर लोड लेगा। लेकिन कौन से स्लैब में लगना है, एक्स की रेंज देते हैं 0 से 5, क्योंकि ये देखो 0 से 5, और जेड में 0 से 4, और इसको ऐड करते हैं क्लोज। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए लोड लग चुका है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे लोड नहीं लगाना, इसलिए हमें एक लोड यहाँ लग चुका है। अब एक लोड यहाँ ऐड करेंगे, एक लोड यहाँ ऐड करेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम इस पर डेड लोड पे क्लिक करके फिर ऐड करते हैं फ्लोर लोड, इंटेंसिटी तो सेम होगी -3.75, और 0 से 18, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट 18 मीटर है। अब इसके लिए रेंज क्या होगी, 5 to 10 एक्स में, ठीक है, और जेड में 0 to 4। तो एक्स में 5 to 10 और जेड में 0 to 4। एड, क्लोज। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा से डेड पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे फ्लोर लोड, वैल्यू -3.75, 0 से 18 बिल्डिंग की हाइट। इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए 0 to 5, तो x तो सेम होगा इस पोर्शन के लिए,
लेकिन Z क्या होगा 4 टू 8 रेंज जो होगी 4 टू 8 ऐड। अब दोबारा हम करते हैं 0 से 18 इसके लिए क्या होगा X होगा इसके लिए 5 टू 10 और Z होगा 4 टू 8 ऐड। अगर Z को 4 टू 8 ना करके 4 टू 11 कर देंगे तो ये भी कवर हो जाएगा इसी में, ठीक है ऐड क्लॉज। अब देखते हैं, देखिए सब जगह लोड लग चुका है, केवल हमारा शाफ्ट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है, ये ओपनिंग है। तो हमारा स्लैब लोड हो चुका है। अब स्लैब लोड के बाद हमारा कौन सा लोड दिया है, वॉल लोड, ठीक है डेड के अंदर। अब ये जो कंडीशन है वो क्या है, वॉल जो बनेगी इस बीम इन बीम्स के ऊपर बनेगी, पर टॉप पे बनेगी पैरापिट वॉल, नीचे बनेगी फुल वॉल आउटर में, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको टॉप व्यू में, आउटर में तो बनेगी 9 इंच की वॉल, इनर में बनेगी आपकी 4.5 इंच की वॉल, और छत पे केवल आउटर पे लगेगी पैरापिट। तो तीनों का लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एक वर्ड फाइल खोल लेता हूं, अच्छा ये कुछ मैंने वर्ड फाइल ओपन कर ही दी है, तो आपको मैं बता दूं, ये भी मैं अटैच कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। ये कुछ कंसल्टेंसी हैं जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की कंसल्टेंसी नहीं, वो कंपनी है जो दिल्ली एनसीआर में, उनका एड्रेस है, उनमें अगर आपको जॉब करनी है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए एक स्ट्रक्चर डिजाइनर को, ठीक है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ खुल चुकी है तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, तो हम हैं वॉल लोड, वॉल लोड आउटर वॉल। तो आउटर वॉल की जो थिकनेस है वो 0.230 है और मल्टीप्लाई बाय, और इसकी जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी और मल्टीप्लाई इसकी जो डेंसिटी है वो 20 है। तो इक्वल टू ये कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.23 इंटू 20 इंटू 3 13.8 क्या किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ये आ रहा आउटर वॉल का। और ये कहां लगेगी आउटर में। अब है आपका वॉल लोड इनर, और पार्टीशन वॉल भी बोल सकते हैं। तो ये तो हाफ हो जाएगी आउटर का, तो 6.9 हाफ क्यों हो जाएगी, क्योंकि केवल इसमें जो थिकनेस है वो कम है और सब सेम है, हाइट भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब आता है पैरापिट। पैरापिट किसे बोलते हैं, जो छत पे बाउंड्री होती है, जो हम ग्रिल लगा देते हैं, रेलिंग लगा देते हैं, उसका लोड। तो उसकी जो थिकनेस होगी हम वो मान के चल रहे हैं 115 mm, और मल्टीप्लाई बाय जो डेंसिटी 20 होगी और मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर हाइट। तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.115 इंटू 20 ये आ रहा 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर, 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये तीनों लोड हमें हम लगाने हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले क्योंकि UDL है तो UDL को हम ऐड कर लेते हैं, बस सेव के लिए पूछ रहा है। तो हम जाते हैं जनरल लोड एंड डेफिनेशन, लोड किस डिटेल, डेड लोड ही चल रहा है अभी, इसमें ऐड करते हैं। मेंबर लोड के अंदर आएगा यूनिफॉर्म फोर्स, तो -4 डाउनवर्ड के लिए 13.8 ऐड कर लिया। दूसरा क्या है आपका 6.9 ऐड कर लिया। उसके बाद है इसमें 2.3 ऐड कर लिया, ठीक है क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए तीनों लोड आ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इनको लगाना जरा ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा और स्लो बताऊंगा। 13.8 लगेगा रूफ से नीचे वाले बीम, वो भी आउटर में। तो सबसे पहला स्टेप इसको लोड लगाने के लिए, स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप फ्रंट व्यू पे आप जाएंगे, ये आपकी रूफ है, आप रूफ को छोड़ के नीचे वाला स्ट्रक्चर ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके न्यू व्यू में जाएंगे। न्यू व्यू से क्या होता है, जो सिलेक्ट है वो दिखाएगा और सब हाइड हो जाएगा। न्यू व्यू, ओके देखिए अब इसमें रूफ हाइड हो चुकी है। अब हम टॉप व्यू में जाएंगे और कंट्रोल प्रेस बटन करके
आउटर के बीम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये लोड हमारा आउटर में ही लगना है, और असाइन टू सिलेक्टेड वाला ऑप्शन लेंगे, जो सिलेक्ट है उन्हीं को हो जाए, ठीक है। और आपके आउटर ये भी होंगे क्योंकि यहाँ ओपनिंग है, तो ये भी आउटर होंगे सेफ्टी पर्पस के लिए, तो यहां पर भी यही लोड लगेगा। अब हम जाएंगे 6.9, तो ये इनर बीम में है, पार्टीशन वॉल का लोड, इस तरह से इसको हम असाइन कर देंगे। अब आता है 2.3, जो छत पे लगेगा, छत तो हमारी गायब है, तो हम इस वाले टूल से पूरा स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, और फ्रंट व्यू पे हम जाएंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे टॉप टेरेस और न्यू व्यू। ओके, अब देखिए न्यू व्यू आ चुका है। अब हम नीचे वाले लोड पे क्लिक करेंगे, यूज कर्सर वाला ले लेते हैं इस बार, इससे क्या होगा जहां क्लिक करेंगे वो लोड आउटर में लगेगा केवल पैरापिट लोड। अब फिर फुल स्ट्रक्चर पे हम चलाएंगे, तो डेड लोड हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब लोड केस पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे, अब बनाएंगे हम लाइव लोड। लाइव लोड इसको ऐड कर लेंगे क्लोज। अब इस लाइव लोड पे ऐड करेंगे और प्रॉब्लम में देखते हैं, जो एज्यूम किया था 3 kN/m², लेकिन ये कहां तक लगाना है आपको, 1 to 5 फ्लोर तक लगाना है केवल, ठीक है। तो जब भी यूनिट दियो kN/m², तो लाइव लोड के अंदर वो लगेगा फ्लोर लोड, कितना है माइनस डाउनवर्ड के लिए 3, और ये कह रहा है 0 to 1 to 5 फ्लोर तक ही लगाना है। अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊं, इसमें देखें यहां से हमें यहां तक लोड लगाना है, तो यहां से यहां तक अगर देखेंगे रहे तो 3 to 15 meter रेंज है, तो इसलिए हम क्या डालेंगे यहाँ पे 3 to 15 और एड कर देंगे, सॉरी 15 एड क्लोज। अब देखते हैं जरा इस पे, देखिए आप केवल इस लोड पे लगा नहीं है, दोबारा डबल क्लिक करते हैं, मैंने मिनिमम में डाल दिया 15 और यहां जाएगा 15, ठीक है, चेंज। देखिए लोड केवल लगा है यहाँ पे। अब हम लाइव लोड में एक और ऐड करेंगे, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि 1.5 लगाना है टेरेस पे, छत पे लाइव लोड अकॉर्ड के अकॉर्ड इन्होंने दिया हुआ है सारी चीजें। एड फ्लोर लोड माइनस डाउनवर्ड के लिए 1.5, और रेंज क्या हो गया आपकी, क्योंकि रूफ हमारा 18 मीटर पे है, तो दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम में दोनों में 18 मीटर आएगा। एड क्लोज। ये अच्छा, हमने एक गलती की है इसमें, पहले तो मैंने लाइव लोड ये कैसे है रेंज रेंज का दिया हुआ है वो बताना था, वो बता दिया। अब इसमें जो बहुत बड़ी गलती की है हमने, वो ये की है कि लोड बीच में नहीं है, और हमने यहाँ पे लोड बीच में लगा दिया है, और अब जो सारी रेंज दोबारा से देनी पड़ेगी हमें, जैसे हमने डेड लोड में दी थी, 4 लोड लगाए थे और हमने रेंज दी थी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजी स्टेप बताऊंगा आपको, ये कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैंने दोनों लाइव लोड डिलीट कर दिए। दोबारा से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने डेड लोड लगाया था, यहाँ रेंज देकर इसको हमने छोड़ दिया था, उसी तरह से लाइव लोड लगाना। अब दोबारा से हम रेंज देंगे, टाइम लगेगा, तो सबसे ईजी आप एडिटर में जाएं, ये एडिटर ओपन हो गया स्टैट प्रो का। अब इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फ्लोर लोड ये लगा हुआ है, वो जो डेड लोड के अंदर में लगाया था, ये यहां से यहां तक, इस सबको मैं कॉपी कर लेता हूं, और जो मेरा लाइव लोड है यहाँ, ये रहा लाइव लोड, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेंज जो दी हुई है वो सब सेम रहेगी, बस लोड की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। लोड की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना दिया हुआ है लाइव लोड 3, तो 3.75 को मैंने कर दिया 3, अच्छा एक चीज और दी हुई है, इसमें रेंज दी हुई है 0 to 18, हमें 0 से करना है 15 क्योंकि ये 5th फ्लोर तक लगाना है बस, ये आपका 3 kN लग गया। अब सेव करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये लग चुका है, टॉप व्यू पे देखेंगे आप तो नहीं। अब हमें लगाना है रूफ पर, तो हम क्या करेंगे, एडिटर में जाएंगे और इन्हीं 4 लोड को कॉपी करेंगे दोबारा से,
और इसी के नीचे पेस्ट करेंगे क्योंकि 1.5 दिया है रूफ पर। अब लोड की इंटेंसिटी हो जाएगी 1.5 चारों केस में। ये चार बार 1.5 क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें बीच में जो शाफ्ट है उसको छोड़ने के लिए हमें रेंज दे दे के चार बार लोड लगाना पड़ रहा है, और रेंज क्या हो जाएगी 18 to 18 18 से 18 मीटर, क्योंकि हमारी रूफ 18 मीटर के हाइट पर है, और जब दोनों मिनिमम और मैक्सिमम 18-18 डालेंगे तो केवल वो रूफ पर लगेगा। देखिए हो गया, इसको क्लोज करते हैं एडिटर को। लाइव लोड में देखिए सारे लोड लग चुके हैं। अब मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर कोई लोड नहीं है। तो लाइव लोड के अंदर हो चुका है हमारा लाइव लोड। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है विंड लोड लगाओ, प्रेशर 2 kN/m². तो ये कैसे लगाएंगे हम, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देंगे विंड लोड के लिए। विंड लोड पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे, ये विंड लोड ऐड हो गया, क्लोज। फिर अब इस टाइप वन पे क्लिक करके फिर ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 इंटेंसिटी, यहाँ पे हाइट 18 और ऐड कर देंगे, फैक्टर 1 ले लेते हैं, ऐड, क्लोज। अब ये जो एक्सपोजर आ रहा है इसको असाइन टू व्यू कर देंगे। अब यहाँ पे लोड केस बनाएंगे, ये डेफिनेशन हो चुकी है, लोड केस में ऐड करेंगे विंड लोड। अब विंड लोड क्या होगा, डब्ल्यू एल एक्स, विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन कैपिटल में ले लेते हैं, डब्ल्यू एल माइनस एक्स, विंड लोड इन माइनस एक्स डायरेक्शन। फिर क्या होगा, डब्ल्यू एल जेड डायरेक्शन, और होगा एक डब्ल्यू एल माइनस जेड डायरेक्शन। ऐसा क्यों हमने चार डायरेक्शन में विंड लोड क्यों बनाया, क्योंकि विंड यहां से भी आ सकती है, माइनस एक्स से भी आ सकती है, जेड से भी आ सकती है, माइनस जेड से भी आ सकती है, इसीलिए। अब एक पर हमने क्लिक किया और ऐड किया विंड लोड, और रेंज क्या होगी हमारी बिल्डिंग के, 0 to 18 एक्स डायरेक्शन, ऐड, क्लोज। देखिए ये लग चुका है अगर आप 3D में देखें। अब हम जाएंगे डब्ल्यू विंड लोड इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो 0 to 18 यहाँ पे आपको माइनस एक्स नहीं करना है, वो दूसरी चीज है, आपको यहाँ फैक्टर 1 करना है, माइनस 1 अगर अपोजिट एक्स में लगाना है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए अपोजिट में लग गया। इसी तरह जेड में विंड लोड जेड डायरेक्शन, 0 to 18 बिल्डिंग की हाइट, एड, क्लोज। फिर विंड लोड आपका 0 to 18 और जेड डायरेक्शन माइनस 1 फॉर अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ये चारों विंड लोड लग चुके हैं। अब ये चार विंड लोड में जो हमने इंटेंसिटी डाली थी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में 2 kN/m², वो कहां से आई, तो वो भी आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा मैनुअली। आपको ये नहीं कि स्टैट प्रो का केवल रिजल्ट लगा देने हैं, आपको टेक्निकली भी सारी चीजें करनी है। तो टेक्निकली करने के लिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं, मैं एक इमेज पे पेंट में चला जाता हूँ, पेंट में थोड़ा समझा देता हूँ विंड लोड के बारे में। वीडियो क्रैश ना हो जाए एक बार इस वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं कि जो विंड लोड की इंटेंसिटी आई वो कहाँ से आई, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें भी आनी चाहिए। तो विंड लोड के लिए जो आईएस कोड है, आपको आईएस कोड पता होना चाहिए, 1875 पार्ट 3 है, ठीक है। ब्रश लेते हैं दूसरा रेड कलर, ठीक है। अब ये विंड लोड है आपका, अब इस विंड लोड के लिए आपको विंड लोड से इस कोड से आपको कैलकुलेट करना है विंड लोड। तो हम सबसे पहले वी भी निकालेंगे कि बेसिक विंड स्पीड क्या है हमारे जहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, और उसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ये हमें कोड से पता चल जाएगी। फिर हम निकालेंगे वी डी, डिजाइन विंड स्पीड, इसके लिए हमारा के वन, के टू, के थ्री, के फोर और वी बी। वी बी हमें पता है, ठीक है। तो के फोर कैसे पता चले हमें, K1 है आपका रिस्क फैक्टर, ये आप सब कोड में देख लेना या लिख लेना। K2 है आपका हाइट फैक्टर, और आपका जो K3 है वो है टोपोग्राफी फैक्टर, और आपका जो K4 है वो है आपका साइक्लोन फैक्टर। तो सबकी वैल्यू आपको कोड में मिल जाएगी,
सबको वैल्यू को कोड से लेना है, वीवी की भी वैल्यू कोड से मिल जाएगी और वीडी निकल जाएगा। अब जो विंड प्रेशर है पीजेड वो क्या है, 0.6 वीडी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आपका पीजेड निकल जाएगा। तो ये भी आपको अपनी रिपोर्ट में शो करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम स्टैट प्रो पर। तो विंड लोड लग चुका है, ठीक है, अब हम एक बार इसको सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सीज़मिक लोड, ठीक है। सीज़मिक लोड में हम जो लैटरल फोर्स कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैटरल फोर्स कि अर्थक्वेक की वजह से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स जनरेट होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है डेफिनेशन। सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हम जो एज्यूम करने, वो इस प्रॉब्लम में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम समय समय पर मैं बताता जाऊंगा क्या क्या एज्यूम करना है। तो सबसे पहले जैसे विंड की डेफिनेशन आपने दी थी, उसी तरह से सीज़मिक की डेफिनेशन देनी है। सीज़मिक पे क्लिक करना है और ऐड करना है। सबसे पहले अपना कोड IS183 ऐड कर लेना है, ये रहा 2002 और 5, और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्या किया मैंने, सीज़मिक डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसमें गया, सीज़मिक डेफिनेशन पे क्लिक किया, ऐड किया, अपना कोड सिलेक्ट किया और जनरेट पे क्लिक किया, और ये विंडो यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहला कि कौन से जोन में आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो यहाँ चॉइस में सिटी को जोन कर दो, और हम जोन 4 में बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। कौन सी टाइप की बिल्डिंग बनाए, तो मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ही हम बना रहे हैं RCC का। किस टाइप की बिल्डिंग है, जनरल है कि इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट बिल्डिंग यानी कि जैसे डैम, हॉस्पिटल, ये इंपोर्टेंट्स होते हैं, और रेजिडेंस बिल्डिंग जनरल होती है, तो उस टाइप का हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इंपोर्टेंट इसको सिलेक्ट कर लिया। सोइल किस टाइप की, हार्ड फ्रेम है RC, डैम्पिंग रेशियो है आपका 5%, ये सीज़मिक पैरामीटर है। अब ये सब चीज़ें हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और जनरेट क्लिक कर देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे जोन आ जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, क्योंकि एक वीडियो में पूरी चीज़ें बता नहीं सकता, अर्थक्वेक की आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी होगी कि अर्थक्वेक होता क्या है, एनालिसिस क्या होता है, केवल स्टेप्स जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। अर्थक्वेक में दो एनालिसिस होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विवेलेंट और एक होता है डायनामिक। हम स्टैटिक ले रहे हैं केवल इस G+5 बिल्डिंग में, उसमें हमें निकालना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हर फ्लोर पे कितना लग रहा है, और उसकी वजह से बेस शियर कितना बिल्डिंग में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी लोड हैं वो वर्टिकल है, अर्थक्वेक की वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होता है, जिससे बिल्डिंग कोलैप्स होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे लोड जो हमने अप्लाई किए हैं, डेड और लाइव, विंड को छोड़कर डेड और लाइव को सबको कॉपी करना है इस जोन के नीचे, क्योंकि हमारी एक लम्ब्ड मास थ्योरी है। लम्ब्ड मास थ्योरी में क्या होता है, हमें इस पूरी बिल्डिंग को लम्ब्ड बनाना है, लम्ब्ड मास बनाना है, और मास वही चीज होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स वो होता है जिसमें कोई डायरेक्शन होती है। अगर हम इन सारे फोर्स को, डेड और लाइव को कॉपी कर दें इस जोन के नीचे और उनकी डायरेक्शन हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक लम्ब्ड मास बन जाएगा। तो वही करना है हमें, एडिटर में जाके मैंने क्या किया, जो हमारे ये देखिए लोड है, यहां से स्टार्ट डेड लोड, ये सारे कॉपी किए यहाँ लाइव लोड तक, ठीक है। इनको कॉपी करने के बाद जो सीज़मिक की डेफिनेशन है यहाँ पे सीज़मिक की डेफिनेशन है, इसके नीचे एंटर मार के सबको पेस्ट कर दिया। ये स्पेस में इसलिए दे रहा हूं बहुत ज्यादा, और नीचे हमारे सेम डेड लोड लाइव लोड सब दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि सीज़मिक के नीचे है तो माइनस हट जाएगा इसमें से, और डायरेक्शन हट जाएगी वाई, तो जो सेल्फ वेट लिखा हुआ था उसके आगे से माइनस और वाई हटा दिया। अब नीचे फ्लोर लोड जो है उसको लिखेंगे हम फ्लोर वेट, और यहां पे सब में से जी वाई हटा देंगे। और यहां से हटा देंगे माइनस मार्क को, ठीक है। और यहां पर भी मेंबर लोड को क्या कर देंगे हम वेट, ठीक है। अब और नीचे आते हैं, देखिए लाइव लोड की लाइन कॉपी हो गई, ये कॉपी नहीं करनी है, वो तो नीचे है, केवल डाटा कॉपी करना था। अब जो मेंबर वेट कर दे, यहां पे भी जी वाई और माइनस हटा देना है सभी में से, और यहां पर भी देखिए सभी लोड में जो जी वाई डायरेक्शन और माइनस दिया हुआ इंटेंसिटी है वो सब हटा रहा हूं मैं, और जहां पर लोड था उसको वेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ फ्लोर लोड दोबारा आ गया, इसको वेट, और यहाँ पे सभी का माइनस हटाना है। अब एक चीज और है इसमें जो आपको याद रखनी है, कि जो IS कोड कहता है हमारा, वो कहता है कि अगर
आपका लाइव लोड 3 kN पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो अर्थक्वेक में जब लगाएंगे उसको लाइव को, तो वो 25% लगाएंगे, ठीक है। तो 3.3 जो है 333, इसका 25% कर देंगे हम, तो कैलकुलेटर, एक सेकेंड, इसमें कैलकुलेटर है ये रहा, तो यहाँ पे 3 × 0.25, सॉरी 0.75 आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.75। आईएस कोड कहता है हमें, तो हमें लाइव लोड तो 3 लगा हुआ है, लेकिन जब हम लम्ब्ड मास बनाते हैं इस लोड का, जब लाइव लोड को कॉपी करते हैं तो वहां इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। और 1.5 का 25% कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 0.375। कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन में हो तो आप देख लेना उस चीज को, और कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। केवल एक ट्यूटोरियल है आपके लिए, कैसे आप मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक अगर डायरेक्शन हटा दी, माइनस हटा दिया, लाइव लोड को 25% कर दिया, जहां मेंबर वेट था उसको फ्लोर लोड कर दिया, फ्लोर वो मेंबर वेट सेल्फ वेट को चेंज कर दिया, ये सब कहां किया, सीज़मिक के नीचे। अब इसको हम एडिटर को क्लोज कर देंगे। अगर थोड़ा फास्ट हो तो इसको पॉज कर करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन में, सीज़मिक के नीचे क्या ये सभी लोड आ चुके हैं, तो सभी लोड आ चुके हैं, बस डेफिनेशन का काम खत्म। अब लोड केस में हमें दो लोड बनाने हैं सीज़मिक, एक है ई क्यू एक्स, ई क्यू एक्स अर्थक्वेक फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और एक है ई क्यू जेड अर्थक्वेक फोर्स इन जेड डायरेक्शन। अब एक कंडीशन है कि ये जब ही एनालाइज करेगा सीज़मिक फोर्स को, जब सीज़मिक फोर्स टॉप पे होंगे डेड लोड से भी ऊपर, यानी कि सीज़मिक ई क्यू एक्स का नंबरिंग क्या होगी, 1, ये 2, फिर डेड लोड 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा। तो इसको कैसे करें हम, ठीक, बहुत आसान है एडिटर, इसलिए मैं कहता हूं कि एडिटर जरूर सीखना चाहिए, एडिटर से हम बहुत काम बड़े जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में दो लोड बनाए हमने, इनको कट किया कंट्रोल एक्स से, और लोड 1, डेड लोड 1 कहां पे है आपका, ये रहा देखिए, यहां पे डेड लोड 1 है, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, और इनकी अब सीक्वेंस की सीरीज को चेंज कर दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और इसको लाइव को 4 कर दिया है, और जो विंड लोड में 3 है इसको कर दिया हमने 5, इसको कर दिया है 6, इसको कर दिया हमने 7, और इसको कर दिया हमने 8, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे। अब देखिए इसमें लोड में जो अर्थक्वेक फोर्स इन एक्स है ऊपर आ चुका है, इस पर क्लिक करके ऐड करना है, और यहाँ पे सीज़मिक फोर्स होगा ये रहा, इसको ऐड कर लेना है, सेम एज अर्थक्वेक फोर्स इन जेड को क्लिक, ऐड करना है सीज़मिक फोर्स, ऐड क्लोज, ये आपका पूरा काम हो चुका है। अब आपको यहाँ एनालाइज पे करना है, एनालाइज प्रिंट पे ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ से एनालाइज कर देना। अब देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। अभी केवल एनालिसिस है, उसके बाद डिजाइन है, उसके बाद फाउंडेशन है, उसके बाद रिपोर्ट में कैसे डाटा को कॉपी करना है वो देखना है। डन, कोई एरर नहीं है। तो हम आउटपुट में जाते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हम कैलकुलेट करना था हमें सीज़मिक का, वो आया नहीं आया। आउटपुट में जाके हम लेटरल सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो 0 से 3 मीटर है हमारा फर्स्ट फ्लोर, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 6.960 kN, और बेसियर कितना, इतना। अब सेकंड फ्लोर जो 0 से 6 मीटर है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, यही है हमारा अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है। इसको भी हमें कॉपी करना होगा अपनी रिपोर्ट में। तो हो चुका है ये यहाँ तक। अब हमें करना है लोड कॉम्बिनेशन, तो लोड डेफिनेशन में जाएंगे। मैं लोड कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बनाऊंगा, आप उसको ठीक कर लेना, मैं बताता हूँ कैसे करना है। एड, यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ हमें लेना है इंडिया और जनरेट। देखिए यहाँ पे हो चुके हैं 29 लोड कॉम्बिनेशन, ये सारे होने चाहिए, ऐड कर लीजिए, क्लोज। देखिए सारे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। अगर एक कॉम्बिनेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ, फिर आप सबका मतलब समझाएंगे। पहले का जो 9th कॉम्बिनेशन है
इसको मैं जूम कर दूंगा वीडियो बनाते वक्त, इस पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो क्या है, लोड 3 लोड 4 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। लोड 3 कौन सा है हमारा, लोड 3 है डेड और लोड 4 है लाइव लोड। लोड 3 डेड, ये है लाइव, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 1.5। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो आपको इन सब का इस तरह से टाइटल चेंज करना होगा यहां से। तो 1.5 जो हमें रिपोर्ट में सही से समझ, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो आपको सभी लोड कॉम्बिनेशन पर डबल क्लिक करके टाइटल जो हमने यहां दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग टाइटल इस ये होगा, इसका हमें चेंज करना है जिससे हमारा यहाँ पर ढंग से दिखाने लगे। देखिए आप सही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अब इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, 3 हमारा डेड लोड है, 4 लाइव लोड है और 5 विंड लोड है, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। तो वो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेने। अब आता है हमारा RCC डिजाइन। तो हमें जाना है डिजाइन के ऊपर, कंक्रीट डिजाइन, यूनिट चेंज कर लेनी है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें पैरामीटर जो है मिलीमीटर में और न्यूटन में डालने हैं। यूनिट चेंज मैंने यहां से की है। यहाँ कोड सिलेक्ट कर लेना है, 456 डिफाइन पैरामीटर, जो क्लियर कवर है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 25 बीम में ऐड किया है और 40 कॉलम है। तो एक बार 25 डाल के ऐड किया, एक बार 40 डाल के ऐड कर लो, वो यहाँ पे आता रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। FC होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25, ऐड कर लो, और फिर FY होता है ग्रेड ऑफ स्टील 500, ऐड कर लो। उसके बाद रेशियो होता है 4% मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू IS कोड हम स्टील डाल सकते हैं किसी क्रॉस सेक्शन में, ऐड कर लिया, क्लोज। डिफाइन पैरामीटर के बाद हमें देना होता है कमांड, इस कमांड पे क्लिक करना है और डिजाइन बीम ऐड कर लेना है, डिजाइन कॉलम ऐड कर लेना है, टेक ऑफ ऐड कर लेना है, स्लैब हवे हम नहीं कर दे रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे जो भी पैरामीटर दिए उनको क्वेश्चन मार्क है, इनको अप्लाई करना है। जैसे कि क्लियर कवर 25, इसको हमें देना है बीम के ऊपर, तो मैंने सारे बीम सिलेक्ट कर लिए हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं असाइन। सेम है इसको कॉलम के लिए देना है, तो सिलेक्ट बीम पैरेलल टू Y और हमने असाइन कर दिया इसको। 25 असाइन टू व्यू क्योंकि पूरी बिल्डिंग पे जाएगा, 500 जो कंक्रीट ग्रेड है वो भी पूरी बिल्डिंग को जाएगा, और जो रेशियो है 4% वो भी पूरी बिल्डिंग को जाएगा, और डिजाइन बीम जाएगा बीम पर, तो बीम में जाएंगे सिलेक्ट बीम पैरेलल टू X, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू Z और ये असाइन कर देंगे। कॉलम डिजाइन कॉलम कॉलम पे जाएगा, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू Y और ये आपका कॉलम पे जाएगा। अब बस एनालाइज कर देना है और चेक करना है हमें कि डिजाइन हुआ या नहीं या फेल हो चुका है हमारा। डन, डिजाइन हो चुका है। बीम पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ कंक्रीट डिजाइन का टैब आ चुका है, डिजाइन डाटा आ चुका है। कॉलम पे डबल क्लिक करते हैं तो डिजाइन टैब में कॉलम का डाटा आ चुका है। अब इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा पॉज कर देते हैं जिससे हमारा कोई। बिल्डिंग पूरी डिजाइन हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, मेरे पास एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेंगे। तो उसका फ्रंट पेज में लिखा हुआ है कि ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ए मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे कॉलेज का लोगो हो जाएगा आपका, कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स का नाम, कंटेन। अब इसमें सारी चीज आपकी इस रिपोर्ट से आप कॉपी कर सकते हो, बस आपको रिजल्ट अपना डालना है, ठीक है, क्योंकि और सब तो IS कोड के अकॉर्डिंग चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ G+5 कर लेंगे और यहाँ पे थ्योरी तो आपकी सेम होगी। अब जैसे कि यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए केवल 2, और आपको कौन से लेने हैं कॉम्बिनेशन 2, आपको आपकी स्टैट में जो ये सारे कॉम्बिनेशन बने हैं ये सारे लिखने हैं उसमें रिपोर्ट में सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन टाइटल आपका इस तरह से होना चाहिए जैसे ये दिया है, उस तरह से इन सबका आप कैलकुलेट करोगे, पता करोगे कि क्या कॉम्बिनेशन है, उन सबका यहाँ पे रिपोर्ट में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ अपना प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उसके बाद देखिए प्लेन कंक्रीट रीइंफोर्समेंट ये सेम होता है, फ्लोरिंग मटेरियल ये इतने सेंटीमीटर, यहाँ पर जो हमने स्लैब का लोड कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्लैब का लोड जो हमने किया था 13.8 नहीं 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ब्रिक मैसनरी की हमने डेंसिटी एज्यूम की थी 20, तो यहाँ पे 20 डाल दोगे या मैं अभी चेंज कर देता हूँ 20। फ्लोरिंग मटेरियल ठीक है, फ्लाई एस ये हमने कुछ नहीं लिया था, इसको डिलीट कर दोगे आप। तो जो जो हमने लाइव लोड हमने लिया था 3 kN/m², तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप 3। लाइव लोड ऑन पैसेज हमने कोई लोड नहीं लिया पैसेज में, इसको डिलीट कर देंगे, स्टेयर हमने नहीं बनाई है। हमने ग्रेड लिया है M25 और FE लिया है 500, ये आप चेंज कर देंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब तो कॉन्स्टेंट होगा, ये तो सिंबल्स हैं, इंट्रोडक्शन में थ्योरी आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पे डाटा देखिए G+5 होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्लैट नहीं होगा, लिफ्ट भी नहीं है, RCC है, ब्रिक है, फ्लोर हाइट भी ठीक है, प्लिंथ भी नहीं है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 500 ले लीजिए, कंक्रीट का ग्रेड और ये सब चेंज कर दीजिए, बेयरिंग कैपेसिटी हम ये सेम एज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में आपको अपना डाटा डालना है और इस रिपोर्ट को तैयार करना है, थ्योरी आपकी सेम यही रहेगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन है स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन, ऑटो कैड। उसके बाद आपका है, चलते जाएंगे, थ्योरी आपकी सेम होगी। इसके बाद आपका प्लान है ये यहाँ पे, तो यहाँ अपना प्लान आप कैसे करेंगे, आप ये 3D व्यू है, अब स्निपिंग टूल आपके हर विंडो में आता है, इस स्निपिंग टूल से इसको कट करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और आप रिपोर्ट में इसको डिलीट करके और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए कहाँ चला गया है ये, सेकेंड, ये कहीं पर को मूव हो रहा है कहीं दूर जाके। यहाँ पे पेस्ट करना था तो हो नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्निपिंग टूल से जो हमने लिया है इसको सेव कर लेते हैं और 1 डाल देते हैं और इसको अब इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ मेरे इस फाइल की प्रॉब्लम हो तो आप करेंगे तो आ जाएगा। एक इमेज ही तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, डेस्कटॉप मिनी प्रोजेक्ट 1। ठीक है, ये आ चुकी है बट ये विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, आप ये कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी वीडियो बनाते वक्त मैं इसमें टाइम इतना वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे फिर इसके बाद देखिए जो जो डाटा है मैं बताते जाऊंगा चेंज, आप पढ़ एक बार ये पढ़ना है आपको, जो भी डाटा अलग से वो चेंज कर देना है। डेड लोड देखिए, इसने जो डायग्राम दिया हुआ ये भी आप लगा सकते हैं। आप लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेल्फ वेट पर, आपने सेल्फ वेट पर यहाँ क्लिक किया तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को स्निपिंग टूल से आप कट कर सकते हैं। जैसे उसने दिखाया हुआ है कि सेल्फ वेट, तो आप यहाँ पे ऐसे करके और आप यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ से सेल्फ वेट, और इसको ऐसे करके ऐसे दिखा भी सकते हैं। तो ये सेल्फ वेट था आपका। अब रिपोर्ट में देखिए आगे क्या पूछा गया है, उसके बाद अलग अलग आपका डायग्राम की इमेजेस हैं, जैसे कि हमने डायग्राम और लॉर्ड्स की है हमारी इमेजेस, तो इसको भी लगा सकते हो फ्रंट व्यू से। देखिए जो मैं बता रहा था आपको विंड लोड, आपको कैलकुलेशन लगानी है तो आपको विंड लोड कैलकुलेशन भी निकाल लगानी है। यहाँ पे कैसे हम विंड लोड कैलकुलेट करते हैं वो डाटा आपको अपनी रिपोर्ट में लगाना होगा। उसके बाद देखिए IS कोड से डाटा लगाया हुआ है कि किस स्टेट या सिटी के लिए विंड स्पीड कितनी होती है। ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये दिखाया गया है विंड लोड लगा हुआ, तो आप भी यहाँ पे जाके विंड लोड पे क्लिक करके इस इमेज को लगा सकते हैं इस तरीके से, इसके आइसोमेट्रिक इमेज को। वही सेम है, स्निपिंग टूल से आपको लेना है और ऊपर लिख देना है विंड लोड इन, यहाँ पे लिख देना है आपको साफ साफ विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन, और इस इमेज को आप लगा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रिपोर्ट में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए फ्लोर लोड को दिखाया हुआ है, तो सेम एज फ्लोर लोड ये आपका, इसकी इमेज लगा सकते हैं और एरो लगा सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है विंड लोड के साथ। तो ये टेबल बनानी बहुत आसान है आपको, बस क्या करना है यहाँ पे देखिए, जिस लोड के अंदर आपका विंड लोड कौन सा है
आपका विंड लोड है 5 और 6, तो जिस कॉम्बिनेशन में 5 और 6 आ रहे थे इसमें 5 आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन कितना लिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2, देखिए 1.2 लिया हुआ है इस विंड लोड 5 के लिए। तो आप यहाँ पे टेबल बना लेंगे इसी तरह से और लिख देंगे सब चीजें, जैसे इसमें विंड लोड नहीं है, विंड लोड क्योंकि हमारा 5 और 6 है केवल, तो हमें 5 और 6 चेक करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में 5 और 6 आ रहा है, ठीक है, उसका हमें कॉम्बिनेशन का वो देखना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और टेबल बना के आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद बीम का ये रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, डबल क्लिक करना है आपको किसी बीम पे, ठीक है, और उसके सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप जाइए पोस्ट प्रोसेसिंग में, ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, ये टेबल बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे जाना है समरी पे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका किस पे आ रहा है, तो मैक्स बेंडिंग बीम पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक समरी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट MZ जो आ रहा है आपका और 213 किलो न्यूटन मीटर, वो भी आ रहा है किसकी वजह से, लोड कॉम्बिनेशन 30 की वजह से, ये देखिए जो लोड कॉम्बिनेशन 30 है उसकी वजह से सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कौन से बीम पे आ रहा है, बीम नंबर 98। तो आप इसी का डाटा ले लीजिए जिसपे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, लोड कॉम्बिनेशन 30 और बीम का नंबर है 98। तो कैसे हम बीम का नंबर 98 कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बाय रेंज, सॉरी बाय आपका आता है इसमें बाय लिस्ट और बीम, और यहाँ पे 98 ये आपका बीम है सबसे ज्यादा बेंडिंग में आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे न्यू व्यू, ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसी का हम आपको वो देख लेंगे, क्या देख लेंगे इसका हम डिजाइन, तो डिजाइन यहाँ पे देखने के लिए पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज हट चुका है हमारा, तो एनालाइज कर लेते हैं इसको, एनालाइज करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ कंक्रीट पे देखिए रिजल्ट है इसका, आपका स्क्रीनशॉट लेके आप किससे, स्निपिंग टूल से इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं, और इसको समझना भी है, ऐसा नहीं कि फोटो लगाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 बार 20 डाय के टॉप में और 3 बार 16 के बॉटम में, और ये इसका डाटा है आपका विड्थ FC ग्रेड ये सब कितना लिया हुआ है, ठीक है, आगे रिपोर्ट में चलते तो ये आप लगा देंगे। ये देखिए इसी बीम का डिफ्लेक्शन डायग्राम लगाया हुआ, तो हम डिफ्लेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से डिफ्लेक्शन और इस डिफ्लेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये डिफ्लेक्शन है, वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, रिजल्ट व्यू वैल्यू और यहाँ पे बीम रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे और एनोटेट, यहाँ वैल्यू लिखी आ गई, इसका भी हम यहाँ पे इमेज का स्निपिंग टूल से लेकर डाल सकते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए, ये डाटा जो दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट में, तो ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, डबल क्लिक कीजिए इस बीम पर और यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन, ये रहा आपका वो डाटा, किस डिस्टेंस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रॉल से घुमाएंगे तो काफी डाटा है, ठीक है, तो ये डाटा भी आपका मिल जाएगा। हम कौन से बीम का डाटा देख रहे हैं जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, उसी के हम रिजल्ट भी देखेंगे आउटपुट में जाके। तो इन्होंने बीम नंबर 218 लिया है, हम बीम नंबर 98 लेंगे, तो हमें स्टैट प्रो में यहाँ पे जाना है आउटपुट पे और यहाँ पे ढूंढना है 98, एंटर 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 एंटर, जब तक बीम 98 नहीं आता, या आप सीधा रिजल्ट में जाइए, यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए, सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट कंक्रीट, यहाँ पे बीम नंबर 46 है और यहाँ पे हम जाएंगे बीम नंबर 98, तो ये बीम नंबर 95 आ चुका है, 96 97 98, ये है बीम नंबर 98, देख सकते हैं आप, इसका ये सारा आपको स्क्रीनशॉट लेके लगा देना है। ये देखिए इसमें प्रॉपर्टी दी गई है बीम की, जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन है, क्लियर कवर, फिर टॉप पे कितना रिइंफोर्समेंट है एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि MM² में स्टील दिया हुआ है टॉप और बॉटम में, फिर रिइंफोर्समेंट स्टीरअप जो है उसका डाटा दिया हुआ है, ये आपको लगा देना है अपनी रिपोर्ट में। आगे चलते हैं रिपोर्ट में, इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये डाटा भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद इन्होंने एक और बीम का सेम डाटा दिया हुआ है, तो वो भी शियर फोर्स के साथ, तो आप इसी बीम का मैं शियर फोर्स अगर देखूं यहाँ से, तो ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग में डायग्राम भी आप देख सकते हैं ये, और इसको आप लगा सकते हैं इसमें स्क्रीनशॉट लेके।
ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है शेयर चेक करने के लिए, आप भी सेम ऐसे ही मैनुअली कैलकुलेशन शेयर चेक कर सकते हैं इसमें शेयर का डाटा। आगे चलते हैं, उसके बाद कॉलम के बारे में है, तो कॉलम के बारे में जो अकॉर्डिंग टू कोर थ्योरी है वो तो आप सेम है, कॉपी कर दीजिए और फॉर्मूले वॉर्मूले सब, और जो आपका डाटा है जैसे कि ये डाटा, ये आपको कैसे मिलेगा, कॉलम पे फुल स्ट्रक्चर पे आ जाइए, यहाँ से कॉलम पे डबल क्लिक कीजिए और ये कंक्रीट, ये आपका कॉलम का डाटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम नंबर 131 हम भी किसी एक कॉलम का डाटा लगा देते हैं, तो हम जाते हैं आउटपुट में और रिजल्ट कंक्रीट, और यहाँ पे हम सबसे नीचे देखेंगे कॉलम्स होंगे, देखिए कॉलम नंबर 168, तो उसका डाटा उठा के हम लगा सकते हैं स्क्रीनशॉट में। क्या दिया हुआ है, कॉलम की प्रॉपर्टीज प्लस कितना रिइंफोर्समेंट है, कितना कंक्रीट का एरिया है, और क्या हमने डाया यूज किया गया है, और स्टीरअप हमने किस तरह से यूज की गई है। तो इसको भी क्लोज करते हैं, अब हम रिपोर्ट पे आते हैं। उसके बाद एक कॉलम का शियर फोर्स और बेंडिंग में डिफ्लेक्शन, ये सब डायग्राम लगा सकते हो आप अपने रिपोर्ट में। उसके बाद स्लैब की जो मैनुअल कैलकुलेशन, और ये डायग्राम सेम है, अपना डाटा चेंज करके जो हमने थिकनेस लिए वो लगा सकते हैं। साथ में जो आपने इन्होंने दिखाया गया है स्लैब का लोड, इसको भी हम मॉडलिंग में जाकर जनरल लोड एंड डेफिनेशन, किसी हम स्लैब लोड पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि डेड लोड के अंदर ये रहा स्लैब लोड, तो हम टॉप व्यू से इसको भी हम दिखा सकते हैं, और ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सॉफ्ट है, ओपनिंग है, तो इसको हम डायग्राम को दिखा सकते हैं इसमें। उसके बाद फुटिंग है, फुटिंग का तो बहुत ही इजी है, आपको फुटिंग का ऊपर का जो डाटा है, टाइप्स ऑफ फुटिंग, ये तो आप सब सेम कॉपी कर लेंगे, और इसका जो डाटा आप कैसे लेंगे, आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, सेव एज एक फोल्डर बनाना है, सारी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में बना देता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट का तो फोल्डर है, इसी के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ स्ट्रक्चर का str, और इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। अब हम बनाएंगे इसकी फुटिंग, ठीक है, अब इसको हम स्टैट को क्लोज कर देते हैं, और हमारे पास जो है स्टैट फाउंडेशन सॉफ्टवेयर, इसको डबल क्लिक करते हैं। स्टैट फाउंडेशन बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, दो मिनट में आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे जो आप अपनी रिपोर्ट में लगा सकते हैं, और आपकी रिपोर्ट कम से कम 100 पेजेस की ईजिली हो सकती है, ठीक है। और ये सब चीजें कॉपी पेस्ट के साथ समझना भी है टेक्निकल टर्म्स को। तो जब ये स्टैट फाउंडेशन ओपन हो गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैट का एक आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने स्टैट प्रो की सेव की है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो डेस्कटॉप, मिनी प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर, और ये हमारी मिनी प्रोजेक्ट की फाइल है, ओपन। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि जितने भी लोड कॉम्बिनेशन सारे इम्पोर्ट होंगे, साथ में फाइल के जो सपोर्ट है वो सारी इसके अंदर इम्पोर्ट होगी। नहीं हुई, दोबारा से कर लेते हैं, नो कर इसको, थोड़ा सा टाइम ले रही है। एक चीज हम देख लेते हैं, जो हमने सेव किए वो बहुत ठीक है, ये सेव है फाइल, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट फाउंडेशन सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करके फाइल को इंपोर्ट किया, तो उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यही जो स्टैट प्रो के अंदर देखिए आइकन है स्टैट फाउंडेशन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सारे लोड इंक्लूड कर लेंगे, और रन स्टैट फाउंडेशन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। रन स्टैट प्रो क्लिक करने से हमारा स्टैट फाउंडेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसके अंदर फाइलें इंसर्ट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रही है, और ये हमारे देखिए सारी सपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है, जहाँ पे हमें फाउंडेशन डिजाइन करनी है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कहते हैं, क्रिएट जॉब, न्यू जॉब, यहाँ पे क्रिएट न्यू जॉब करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी डालेंगे फुटिंग, और हम करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन, ठीक है, क्रिएट जॉब, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा प्लीज वेट पेशेंस। जब हम क्रिएट जॉब पे जाते हैं, दोबारा से हम इस पे रन स्टेट पे जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है सॉफ्टवेयर में, तो ये लोडिंग हो रही है यहाँ पे हमारी सारी सपोर्ट्स, और ये यहाँ पे सारी सपोर्ट लोड हो चुके हैं। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और भी थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, प्रोसेसिंग खत्म हो जाए तभी हम आगे स्टार्ट काम करेंगे। तो उस फाउंडेशन में हमें करना क्या है, जॉब क्रिएट करनी है आइसोलेटेड फाउंडेशन की,
फिर ये भी चेक करना है कि कौन कौन सी फूटिंग मर्ज हो रही है, आपस में कोई फूटिंग मर्ज हो रही है तो उसको कंबाइंड फूटिंग हम बनाएंगे और फिर उन सबका डाटा यहाँ से कॉपी लेके अपने रिपोर्ट में पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब तक मैं आपको बता दूं, आप इंजीनियर्स फॉर सिविल वेबसाइट पर जाकर आप ये जो सारी फाइलें हैं ये सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप सारी फाइलें ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अब ट्राई करके देखते हैं इसको। ये हमारी सारी फूटिंग यानी कि सपोर्ट रिएक्शन आ चुकी है। अगर टॉप व्यू पे क्लिक करूं तो देखो आप उसी तरह से दिखाई देगा, हमारे यहाँ तीन कॉलम थे, उसके बाद ये तीन कॉलम और यहाँ चार कॉलम हमारे बीच में थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट जॉब पे गया, क्रिएट जॉब, और यहाँ पे डाला जॉब का नाम फूटिंग आइसोलेटेड। यहाँ पे हमें इंडिया सेलेक्ट करना है और हमें सारे लॉट्स को नीचे ले आना है और क्रिएट जॉब पे कर देना है। क्रिएट जॉब पे करने के बाद यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग का एक आ जाएगा। यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर चेंज करने से कंक्रीट रैबर, तो जो भी डेंसिटी है कंक्रीट की, जो भी आप पैरामीटर चेंज करना सकते हो वो यहाँ से कर सकते हो। कवर एंड सोइल यानी कि बेरिंग कैपेसिटी, ये सब यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। फुटिंग की ज्योमेट्री चेंज कर सकते हो और यहाँ पे क्लियर कवर, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज कर सकते हो। जो भी पैरामीटर आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो आप इसके अकॉर्डिंग या चेंज कर सकते हो या फिर एज्यूम कर सकते हो, जो डाटा मेरी रिपोर्ट में वही डाटा एज्यूम करके पैरामीटर यहाँ से सारे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको डिजाइन पर क्लिक करना है, यस करना है, बस स्टैट फाउंडेशन ने स्टैट की सारी फाउंडेशन डिजाइन कर दी। प्रोसेसिंग चल रही है थोड़ी सी, आप देखना है, बहुत अच्छी ऑटोकैड ड्राइंग भी दे देगा आपको और साथ के साथ में आपको दे देगा ये आउटपुट, वो भी आपको वर्ड फॉर्मेट में और मैनुअल कैलकुलेशन। तो जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं तो इसमें भी आपके फाउंडेशन की यही चीजें लगी हुई हैं। नीचे अगर हम जाते हैं ये देखिए, उसके बाद आप फाउंडेशन बैंडमेंट देखिए, आपके इस पूरे स्ट्रक्चर का बैंडमेंट का डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी फिगर लगाया हुआ, तो आप भी लगा सकते हैं बैंडमेंट का, वो भी किसकी वजह से, क्लियर कवर सॉरी लॉट कॉम्बिनेशन की वजह से। इसी तरह से आप शेयर फोर्स का लगा सकते हैं डायग्राम, इसी तरह आप लगा सकते हैं डिफ्लेक्शन का, देखिए डिफ्लेक्शन का है, और आप अगर प्रेजेंटेशन कहीं देनी है तो इसको आप ऐसे एनिमेट करके भी उसमें वीडियो दिखा सकते हैं इस तरह से डिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टेट फाउंडेशन पे। तो अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है क्योंकि हमारे पास 4, 3, 7, 3, 10, 14 फाउंडेशन है, सबका मैनुअली कैलकुलेट करना और डायग्राम बनाना वो ये काम कर रहा है। तो हम जब तक हम इसमें चलते हैं, आप यहाँ से क्या क्या डाटा वो मैं बता चुका हूँ, और आप यहाँ से एक ये रेंडर व्यू ये भी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी के साथ अपनी रिपोर्ट फाइल में। ठीक है, अगर आपको कुछ नाम वाम टाइटल लिखना है फिगर के नीचे या कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ए दिया हुआ, ये ए, इस पर क्लिक करेंगे और जो आपको यहाँ पे लिखना है लिख देना, जैसे कि 3D मॉडल हमने ये लिख दिया है यहाँ पे और ओके कर दिया है, तो ये 3D मॉडल आ चुका है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पर एक ए है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक और यहाँ पे कर देंगे डी को कैपिटल, और फॉन्ट में जाके हम इसको कर सकते हैं कलर चेंज, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, कलर कर देते हैं रेड और ओके कर दीजिए। ये देखिए, इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं, इस तरह से हम इसका स्क्रीनशॉट फिर ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट में लगाने के लिए इस तरह से। ठीक है, अभी भी इसमें एम चला गया, वो एडिट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग चल रही है स्टेट फाउंडेशन में। देखिए डिजाइन हो चुकी है, सेव के लिए बोल रहा है, हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कितनी फाउंडेशन है, 19 फाउंडेशन सभी डिजाइन हो चुकी है। पहली फाउंडेशन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए उसके सारे डायग्राम और मैनुअल कैलकुलेशन आ चुकी है और आप ये सभी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने पेजेस की है आपकी ये पूरी शीट,
यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगी। इसमें कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है और आप इसको प्रिंट दे सकते हो, सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हो। ठीक है, सेव एज पीडीएफ, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और आप इसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, एक बार और इसको प्रिंट देता हूं मैं। ये कहां सेव हुआ है पता ही नहीं चला कुछ। फॉर्मेट प्रिंट टू पीडीएफ, पता नहीं कहां सेव हो रहा है। ठीक है, आप यहां देखिए डिटेलिंग में जाएंगे तो आप एक एक फाउंडेशन की ड्राइंग, ऑटो कैड ड्राइंग देख सकते हैं। अच्छा, सेव के लिए आ गया है। तो मिनी प्रोजेक्ट में हम फुटिंग डाटा, फुटिंग डाटा सेव कर सकते हैं। और ये देखिए फुटिंग नंबर 1 की ये ड्राइंग है। देखिए यहाँ पे इसको भी आप प्रिंट करा के कलर प्रिंट करा के रिपोर्ट में लगा सकते हैं। और ये इसी तरह से आप पूरी सारी 19x19 फुटिंग का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप ज्योमेट्री में जाएंगे तो आपको ये आपको प्लान मिलेगा, और जीए ड्राइंग में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये पूरा फुटिंग का सारा चीजें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखने की है कि ये कॉलम है आपके, छोटे वाले कॉलम है, और ये जो है आपका ये फाउंडेशन, सारी फाउंडेशन आपस में मर्ज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी फाउंडेशन हम यूज करेंगे, राफ्ट। हम यहाँ पे राफ्ट और मैट फाउंडेशन यूज करेंगे क्योंकि सारी आपस में मर्ज हो रही है। लेकिन आप क्या करना, आप थोड़ी बड़ी बिल्डिंग लेना, लोड थोड़े कम लगाने से आपकी आइसोलेट बन जाएगी और काम चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं राफ्ट फाउंडेशन डिजाइन करना नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो चुकी है, तो इसमें केवल आइसोलेट फुटिंग। तो आपको इस तरह से बिल्डिंग में स्पेसिंग रखनी है और लोड इतने रखने की आपके आइसोलेटेड फुटिंग ही आए, जिससे आप रिपोर्ट में ड्राइंग और ईच उसकी ड्राइंग लगा सकते हैं। और कैलकुलेशन सीट एरिया आपकी ये काफ़ी पेज की है, वो आप लगा सकते हैं। तो अब हम स्टैट फाउंडेशन को क्लोज करते हैं और ये भी क्लोज हो चुका है। और अब हम रिपोर्ट पर जाते हैं, तो रिपोर्ट में आप ये सारा डाटा यहाँ पर लगा देंगे और बाद में जो भी आपका रेफरेंस है, जो कोड आपने यूज़ किए हैं, आप चाहें तो मेरी वेबसाइट का और यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल सकते हैं रेफरेंस में। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ जो हमने रिपोर्ट सेव की है वो कितने पेज की है फाउंडेशन में। ये रही, ये है आपकी 212 पेज की। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं 212, आप कुछ 19 में से 5 फुटिंग का लगा दीजिए और आपके 50-60 पेज आपके जो रिपोर्ट है उससे बन जाएंगे। तो आपकी ये, आप चाहें तो 300 पेज की भी रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको 100 से ज़्यादा की रिपोर्ट नहीं बनानी है। सारा डाटा आपको मैंने बता दिया है ट्यूटोरियल में, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आप इसमें सीख चुके हो। तो आप मिनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आराम से बना सकते हो। ये केवल सीखने के लिए वीडियो है, इस वीडियो का आप गलत उपयोग ना करें, यानी कि आप इसी डाटा को प्रिंट करा के और अपने जहाँ भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में सबमिट ना करें। आप अलग से प्लान लें, इसको सीखें और तब करें, और इसका अपना डाटा, फाइल का डाटा अपनी फाइल में रखें। जो IS कोड की जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो सेम रहेगी, बस केवल आपके रिजल्ट और डाटा आपका चेंज होगा। और भी आप रिजल्ट लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, स्टैट प्रोफाइल फाइल को ओपन करूं, तो और बहुत सारी चीज़ें आप जो लगा सकते हैं कि बिल्डिंग में अर्थक्वेक की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, आप ये भी डाटा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, इसको फ्रंट व्यू पे किया और नोट कर्सर से मैंने, या फिर हम क्या करते हैं, हाँ बीम कर्सर से एक पैनल सेलेक्ट कर लिया ये वाला और राइट क्लिक न्यू व्यू। ठीक है, अब हमने देखा इसमें नोट सेलेक्ट कर लिए, पोस्ट प्रोसेसिंग में गए। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन एक्टिवेट है, ये देखिए डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हमने रिजल्ट में व्यू वैल्यू और यहाँ पे हमने कर दिया डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हर बीम के ऊपर कितना, मतलब एक्स डायरेक्शन है बिल्डिंग, अर्थक्वेक फोर्स एक्स डायरेक्शन की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसमें और क्लियर ये आपको देखना है तो आप टॉप व्यू पे जाइए और टॉप व्यू पे जाके केवल एक फ्रेम ले लीजिए और असाइन न्यू व्यू। अब आप फ्रंट व्यू में जाएंगे तो देखिए, यानी कि ये आपकी बिल्डिंग है और हॉरिजॉन्टल फोर्स अर्थक्वेक फोर्स एक्स की डायरेक्शन की वजह से ये आपका डिफ्लेक्शन इसमें जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारा डाटा दे सकते हैं। आप किसी और कोड की विंड लोड एक्स की वजह से कितना हो रहा है, देखिए ये विंड की वजह से हो रहा है, कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने इसका स्निपिंग टूल ले लिया,
यहाँ पे ये किसके वजह से, विंड के वजह से, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं अर्थक्वेक एक्स की वजह से, तो ये अर्थक्वेक एक्स की वजह से, और आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और प्लीज अपने अपने फेसबुक ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादातर लोग के पास जाएं और थोड़े कुछ व्यू आए इस पे, और आप मेरी वेबसाइट पे जाना ना भूलें। थैंक यू।